बड़े स्टाइल से खा रही हैं। खैर तो अलीज़ा जल्दी जल्दी अलीज़ा फिनिश करें ताकि जीत सकें। आमना और अलीज़ा की एक टीम है और आज हम देखते हैं कि भाई कितना दम है, ऑरेंज टीम में है या फिर ये है कि जी येलो टीम में दम है। तो कितने बिस्किट रह गए अनाया के, इसने खा लिए, तो इसका मतलब क्या है कि ज़ारा और जो है वो अनाया की टीम जो है वो जीत गई है। और मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर ऐसे होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज हमने सोचा कि हम आज क्या हल्ला गुला करें, कुछ बच्चों के साथ कुछ इन्जॉयमेंट होनी चाहिए। तो क्योंकि मैं अपनी अम्मी की तरफ आई हुई थी तो मेरे जो भाई की बच्चियाँ हैं और मेरी अपनी जो बच्चियाँ हैं तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग आज मामा जूस चैलेंज करेंगे और साथ में बिस्किट चैलेंज भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मौसम भी अच्छा हो रहा है और अच्छी बात है, इससे बच्चों में जो है वो अच्छा जो है वो रुझान पैदा होता है और हार जीत तो खेल का हिस्सा है, कोई भी इसमें जीत सकता है। तो हमने करना ये है कि हमने दो दो की टीम जो है ना बना दी है। तो पहली टीम में है, आप अपना नाम बताएं। आमना आदिल हैं और इनके साथ कौन है ये? अलीज़ा सैयद। और आमना की टीम में ये टीम जो है ये इनकी येलो ऑरेंज टीम है, सॉरी ये टीम इनकी जो है वो ऑरेंज टीम है। और इन लोगों के पास जो है वो एक एक टिकी पैक जो है बिस्किट्स का भी है और इसमें अभी हम जो है वो जूस भी डाल देंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमारी जो सेकंड टीम है उसमें कौन है? ज़ारा सैयद। ज़ारा सैयद है और उनके साथ कौन है? अनाया अदील है। तो अनाया और ज़ारा सैयद की एक टीम हो गई है, ठीक है ना। अच्छा, ये है येलो टीम, ठीक है। एक को हमने नाम दिया है ऑरेंज का और एक को हमने नाम दिया है येलो का। और इन लोगों के पास जो ग्लासेस हैं वो भी येलो और ऑरेंज ही हैं। अब हम लोगों ने ग्लास में जो है वो जूसेस डाल दिए। ये देखें, ये है अनाया का ग्लास और ये है ज़ारा का ग्लास। ज़ारा से हाय बोले। हाय। हाय। अच्छा भाई, ये है आमना का ग्लास। आमना, कैसा महसूस हो रहा है आपको खेलते हुए गेम? बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैम। कॉन्फिडेंट है, आप जीतेंगी जी अलीज़ा के साथ जी। ऑरेंज थम्स अप, थम्स अप, जबरदस्त। और अलीज़ा, ये अलीज़ा का, अलीज़ा आप भी कॉन्फिडेंट हैं? यस। अच्छा भाई, चले मैं 1 2 3 बोलूँगी तो आप लोगों ने शुरू कर लेना है, ठीक है ना। और हम साथ साथ व्यूअर्स को दिखाते भी जाएंगे कि किस तरीके से जो है वो हमारा जो है वो जूस प्लस बिस्किट कंपटीशन जो है वो हो रहा है। चले भाई स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट 1 2 3। तो ये सब ने जो है वो शुरू कर दिया है। ज़ारा जो है वो पहले बिस्किट्स पे लगी हैं और अनाया भी जो है वो पहले बिस्किट पे लगी थी लेकिन उन्होंने फिर जूस छोड़ दिया। और अलीज़ा ने जूस पी लिया है, आमना ने भी जूस पी लिया है। और अब आप लोग अपने सहेलियों की मदद करें, बिस्किट खोल के दें इन्हें, बिस्किट जो हैं वो खोल के दें ताकि अनाया जो है वो अपना बिस्किट खुलवा रही हैं ज़ारा से और आमना जो है वो अभी तक बिस्किट खोल ही नहीं सकी हैं। आमना टू लेज़ी। अलीज़ा देखें माशाल्लाह ख़ुद खोलने की कोशिश कर रही हैं और इस वक्त जो है वो ज़ारा और इसकी टीम जो है वो हेल्प करें खोलने में। ज़ारा आप अनाया का खोलें ताकि जो है वो हेल्प हो और इसकी भी हेल्प हो।
ताकि जो है वो आप जीत सको। ज़ारा अगर आप इसकी खोल के नहीं दोगी तो फिर आप हार जाओगी। इसमें इंडिपेंडेंट जीतने का कोई मौका नहीं है। टीम वो है, टीम के साथ जो है वो बंदा जीतेगा। हाँ जी आमना, खुला नहीं खुला आपसे? अलीज़ा आपसे भी खुल गया है, तो जल्दी जल्दी खाएं अगर जीतना है तो। आमना और अलीज़ा ने अगर जीतना है तो जल्दी जल्दी खाएं, और ज़ारा और अनाया ने जीतना है तो अच्छी तरह से खाएं जल्दी जल्दी। दो पैक है इसमें, दो बिस्किट है इसमें, और ये देखें कितनी खूबसूरती से जो है वो ज़ारा खाती हुई, और साथ में इनके जो है वो अनाया है एंजॉय कर रहे हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा है ये जूस प्लस बिस्किट कंपटीशन में। और आमना जो है बड़े स्टाइल से खा रही हैं। खैर तो अलीज़ा जल्दी जल्दी अलीज़ा फिनिश करें ताकि जीत सकें। आमना और अलीज़ा की एक टीम है, और आज हम देखते हैं कि भाई कितना दम है, ऑरेंज टीम में है या फिर ये है कि जी येलो टीम में दम है। तो कितने बिस्किट रह गए अनाया के? अनाया ने खा लिया भाई? अनाया ने, ज़ारा ने भी खा लिया? नहीं पता, अनाया के मुंह में है। मुंह से कुछ नहीं होता, खा लिया आप लोगों ने? तो भाई हाथ रेस कर दीजिए जिसने खा लिए। तो इसका मतलब क्या है कि ज़ारा और जो है वो अनाया की टीम जो है वो जीत गई है, और मैं तो समझ रही थी कि आमना जो है वो जीतेंगी अलीज़ा के साथ, पर ये तो बहुत ही बुरा हो गया। और अलीज़ा के कितने रह गए बिस्किट? अलीज़ा का भी आखिर रह गया है। चले आप लोग भी फिनिश करें, कोई हार जीत नहीं है, आप लोग भी फिनिश करके हाथ रेजिस्ट कर लें ताकि पता लग जाए। और अब ये है कि जो हार गया है उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, ये आप लोग सोचें क्या होनी चाहिए। अच्छा भाई सज़ा आप क्या तजवीज़ करिए आप लोगों ने भाई इन दोनों के लिए? हमने सोचा है कि हम सबके ग्लास इन्होंने ना रखने हैं वहाँ पर धुलने के लिए, और ये बिन में फेंकना है, किचन में रखने। ये भाई ये सज़ा तो बहुत ही मुश्किल है आमना। तो अच्छा है, थोड़ा सा मेरा भी समेटने का फ़ायदा हो जाएगा। तो आमना और अलीज़ा की सज़ा ये है कि आप लोगों ने ग्लास अपने अपने सबके आपने किचन में रखने, और कचरा जो है वो रैपर्स जो है वो खाली उठे चलें। शुरू करें, आप लोगों की सज़ा शुरू हो गई। आपने सर्वेंट बनना है, ग्लास दें भाई इनको जल्दी जल्दी, और कचरा जो है वो उठाएं। आमना आप कचरा उठाएं। मैडम प्लीज। नाया इज लाफिंग एंड नाया यू एंजॉय? वाओ थम्स अप। एंजॉय ज़ारा? वेरी गुड। अब हमारा जूस चैलेंज और बिस्किट चैलेंज जो था वो भी ख़त्म हो गया है, और साथ में जो सज़ा थी वो भी मिल गई है। तो आमना और अलीज़ा आपको जो सज़ा मिली वो कैसी थी? तो आप नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करोगी जीतने की? जी। अच्छा आपकी हार वैसे कहाँ पे हुई, आप क्या महसूस करती हैं कि हार कहाँ पे हुई आपको? एक तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया बिस्किट खोलने में ना, सही। और बाद में मैं बहुत स्टाइल से खा रही थी, समझ रही बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं जीतूंगी। सही सही सही। तो ज़ारा आपको क्या था कि आप लोग कैसे जीत गए ज़ारा और अनाया? बिस्किट का पैकेट जल्दी खुल गया था, तो ओपन हो गया था ना। चलो कोई बात नहीं, खेल होती है। नेक्स्ट टाइम हम एक और नया चैलेंज करेंगे, कोई पिज़्ज़ा चैलेंज कर लेंगे या ऐसे। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को छोटी सी वीडियो हमारी जो है वो पसंद आई होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे पेज को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि इसी से हमारी हौसला अफज़ाई होती है, और हम लोग मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस जो है आपके लिए बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुशी से अपनी ज़िंदगियों में गुजारा करें, और रहें। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय कर लूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।